साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी में परवेज़ इलाही की बात करें तो उस्मान बुज़दार की तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये केस है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी समारत में 18 मई तक तौसी कर दी है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिली तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। अदालत में आमदन से ज्यादा दस्तावेजात इंक्वायरी का ये मामला है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। उस्मान बुज़दार आज भी अदालत के रूबरू पेश ना हुए। अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया और अदालत ने 18 मई को बुरी जमानत का फैसला सुनाने के हवाले से आगाही भी दे दी और फ्रीकैन वकला को हुक्म दिया गया कि आइंदा समाअत पर उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर फैसला सुना दिया जाएगा। जबकि जज ने दौरान समाअत इस हवाले से तफ्तीशी अफसर से इस्तफ़सार किया कि क्या प्रोग्रेस है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उस्मान बुज़दार तफ्तीश के लिए नायब दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। जिस पर फाजल जज ने इस्तफ़सार किया कि उस्मान बुज़दार कहाँ है, जिस पर उस्मान बुज़दार के वकील ने कहा कि उस्मान बुज़दार की वालदा बीमार है और वो वालद के साथ हैं, रस्ते भी बंद थे, लिहाजा एक रोजा हाजिरी माफी मंजूर की जाए। उस्मान बुज़दार की वालदा को दिल की तकलीफ है, वो वालदा के साथ हैं, जिस पर अदालत ने उस्मान बुज़दार की एक रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली और अदालत ने उस्मान बुज़दार के जो असासाजात हैं उसकी तफसील भी नायब तफ्तीशी अफसर को पेश करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने समाअत 18 मई तक मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमान अपडेट करने का।